अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा दिमाग अपनी जगह पर है या नहीं? अभी तो बोल रही थी कि तुझे अपने पति पर शक है, तो जाकर आमने सामने उससे बात करने के बजाय ये सब क्या कर रही है? दादी, जीत पे शक कर करके हम पहले भी काफी सवाल पूछ चुके हैं और हर बार जीत सही निकला, लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिए हुए जवाब से हम कभी संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन इस बार हम पक्का सबूत ढूंढ लेंगे कि जीत सच में गोपाला के साथ है, और अगर नहीं तो हम अपने मन से जो भी हमारे मन में वहम है, शक है, उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हम चाहकर भी कृष्णा को सच नहीं बता सकते। कृष्णा अपने और जीत के रिश्ते के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। हे भोलेनाथ, अब आप ही इस रिश्ते की नींव रखना। तू जो करना चाहती है ना, कर। भोलेनाथ हमेशा तेरे साथ है और हम भी। महादेव, अब कोई ऐसा चमत्कार करें कि हमारे मन से ये वहम हमेशा के लिए मिट जाए और एक झटके से सब गलत साबित हो जाए। हे महादेव, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा शक गलत साबित हो, जीत और गोपाला के बीच में कोई रिश्ता ना हो। क्या बात है कृष्णा, केक बन गया? तुम्हें कैसे पता चला कि हम केक बना रहे हैं? कैसे, क्या मतलब? हमारे सामने बन रहा है तो दिखाई दिया हमें। अरे बात बताओ मैं कृष्णा, तुम्हारा चेहरा देख के हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें हमारे ऊपर अभी भी शक है? नहीं नहीं, शक नहीं कर रहे, वो तो हम बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तुम किचन में आए ना, इसीलिए। अगर हम चाहते हैं कि कृष्णा हमें बाहर जाने से रोके तो हमें ऐसे प्यार से बात करनी होगी। हमें लगा कि तुम किचन में अकेले काम कर रही हो तो थोड़ी मदद कर देते हैं तुम्हारी। हमारा मतलब है कि सारा काम खत्म हो गया है, रहने दो। और तुम कहीं जाने वाले थे ना जरूरी काम से, गए नहीं अब तक? जल्दी जाओ वरना देर हो जाएगी। आज हम तुम्हें नहीं रोकेंगे जी, अब हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें सच में गोपाला के जन्मदिन से कोई फर्क पड़ता है या किसी ना किसी बहाने से तुम इस पार्टी में शामिल होना चाहते हो। हमने तो हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला लिखने को कहा था। अगर फोन पे हमसे बात करने वाले तुम थे जीत, तो तुम कुछ ना कुछ तो कहोगे ही। तो फिर चलते हैं। ठीक है। आज अगर कृष्णा के सामने
केक के बारे में हमसे कुछ निकल जाता तो उसे तो पता ही लग जाता कि फोन पर आवाज बदल के बात करने वाले हम ही थे। जीत ने हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? हेलो, केक शॉप से बोल रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, आप कैसे भी करके ना एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक तैयार करा दीजिए। सॉरी सर, नहीं हो पाएगा, बहुत ऑर्डर है। नहीं होगा? अरे आप पैसे ज्यादा ले लीजिए। ठीक है, डबल पैसे लगेंगे। डबल पैसे लगेंगे? हाँ, डबल ट्रिपल जो भी आप ले लीजिए, बट हमारा केक तैयार करा दीजिए प्लीज। ठीक है सर, हो जाएगा। तो ठीक है फिर, आप एक काम करिएगा, उस पर लिखवा दीजिएगा हैप्पी बर्थडे माय लव गोपाला। मैडम आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे, वैसे भी हमारा रोज का काम है ये। अच्छा भैया सुनिए। हाँ मैम। आपने बताया नहीं कि आप लोगों को यहाँ किसने भेजा है? अब हमारा मतलब आपकी बात किससे हुई थी? मैडम हमारी कंपनी अपने क्लाइंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करती। अब आपके इस घर में पार्टी हो रही है तो यहीं से किसी ने किया होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। अब वो क्या है ना, गोपाला के जन्मदिन पे हम सब लोगों ने सोचा था कि हम उसके लिए ऐसे कोई अच्छा बड़ा सरप्राइज देंगे, पर हमारे कुछ करने से पहले ही कोई और बाजी मार गया, अब हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे कि वो कौन है जिसने ये सब। ऐसा है क्या? ऐसा तो पहली बार देख रहे हैं, फिर तो किसी जितेंद्र जी ने खर्चा उठाया इस पार्टी का। वैसे ये जितेंद्र जी गोपाल जी की कौन लगते हैं? आपका मतलब जितेंद्र ही है क्या? आपने कहीं जीत तो नहीं सुना? जीत? नहीं मैडम, जितेंद्र ही है। अच्छा, अब धन्यवाद। कृष्णा बेटा, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। पता चलेगा दादी, सच कब तक छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो बाहर आएगा। जन्मदिन की बहुत बधाई, खुश रहो। धन्यवाद जीत। जीत अभी तक काहे नहीं आए? अरे गोपाला, हम बस आए रहे, थोड़ा कुछ काम में फंस गए थे, और वैसे भी हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं, बस यूं आए। जल्दी आओ या बुलाई बिखरे बाल। बाय। जीत का दिखाई नहीं दे रहा है? अब जीत को कुछ काम आ गया है, इसीलिए वो इस पार्टी में नहीं रहेगा। अगर जीत और गोपाला के बीच कुछ चल रहा है तो जीत आज इस पार्टी में जरूर आएगा, और अगर जीत ने यहाँ छिप कर आने की कोशिश भी की ना, तब भी हमें अपने फोन में सब कुछ पता चल जाएगा। वो आज हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। Yeah.
ये बर्थडे इवेंट में जितने भी लोग सजावट के लिए आए हैं सबने तो एक जैसे कपड़े पहने हुए, फिर ये लाल शर्ट में कौन आदमी है? कौन है ये? अब देखिए नाटक दंगल प्ले पर टीवी से पहले।